Hey guys, what is up? This is Krish from Tripura. तो गाइस मैं प्रो लेके फिर से गया यूट्यूबर और दूसरे सोशल मीडिया न्यूज़ तो गाइस आप लोग वीडियो घंटे जरूर देखना। गाइस यार फाज जो न्यूज़ आता है वो था बीबी की तरफ से। आप लोग बताए बीबी का नया वीडियो आ ही चुका है तो उसके ऊपर बीबी का एक रिएक्शन देख सकते हैं। बहुत ज्यादा सपोर्ट तो मिल ही रहा है तो इसके ऊपर रिएक्शन देख सकते हो। ये मैं पहले दिन के स्टैट्स देख रहा हूँ, ये क्या कर दिया भैया, ये क्या है ये सब, ये क्या है ये सब, इतना प्यार कहाँ लेके जाऊँ है, अभी ऐसा फील हो रहा है मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया, अगर नहीं देखा है तो स्वाइप अप करो। क्यों समीर क्यों? तो इस नए जो स्टोरी तो बताया केरी की तरफ से। आप लोग पता है केरी का तो बहुत दिन से वीडियो नहीं आ रहा है तो केरी का लाइव स्ट्रीम पे आया तो उधर कुछ बात किए थे अपने नए वीडियो के ऊपर जो कि आप लोग खुद सुन सकते हो। ठीक है, मैं तुम्हें बता देता हूँ, देखो थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, अभी वो सीन, अभी वो वाइब आ नहीं रही है जिसके अंदर मैं आई वुड से कि मैंने अभी दो बार मैं लिख चुका हूँ लेकिन इतना मजा नहीं आ रहा है तो मैं उसको वापस और एक नई तरीके से एक नई डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। और साथ ही साथ कुछ नया भी आ रहा है उसके अंदर, एक नया पार्ट भी रहेगा वीडियो में जो अभी तक मतलब अभी तक मैंने बनाया नहीं और आप तक कहीं पर भी नहीं देखा है, जो मैं बिल्कुल होप करता हूँ तुम्हें पसंद आएगा। आई थिंक सो आ जाना चाहिए, वो काफ़ी सही चीज़ है, वो मेरे अंदर के क्रिएटिव माइंड को सेटिस्फाई कर रही है। तो यस, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आई नो एंग्जाइटी तुमसे ज़्यादा मुझे है बात। ठीक है, वैसे वीडियो नहीं जाती चैनल पे इतने महीने तक तो फट जाती है भाई, एंग्जाइटी हो जाती है बहुत ज़्यादा, बट कोई बात नहीं, फिर ग्रोथ कैसे हो। देन जो स्टोरी था वो था डायनामो गेमिंग की तरफ से। डायनामो गेमिंग मतलब डायनामो बहुत जल्दी शायद एक ब्लॉग चैनल ओपन करने वाला है क्योंकि इसके ऊपर इंस्टाग्राम स्टोरी पे कुछ अपडेट डाला है जिसे तुम देख सकते हो। देख लो। दिस इज द व्यू, अभी ये व्यू एंड ये सारी चीजें होने वाली कम से कम एक दो दिन के लिए एंड हम लोग बहुत मजे करने वाले हैं, बहुत सारे नए नए ब्लॉग्स एंड अच्छा अच्छा कॉन्टेंट, सारी चीजें चैलेंजेस एवरीथिंग, बहुत जल्दी सारी चीजें आ रही है चैनल पे। एंड गाइस एक और चीज आपको पता है गाइस, मैंने क्या कहते हैं एक नया चैनल बनाया ब्लॉग्स के लिए तो मैं आपको बहुत जल्दी बताने वाला हूँ। एंड गाइस नाउ द स्टोरी था 4G गेम को लेकर उसकी रिलीज डेट को लेकर। तो यह कैसे आप लोग पता है जब PUBG बैन हुआ था तब 4G का अनाउंसमेंट हुआ था कि आने वाला है, बहुत ही जल्द आने वाला है। पहले तो बोला था कि अक्टूबर पे लॉन्च होने वाला है तो अभी थोड़ा सा मतलब पहले अक्षय कुमार ने एक ट्वीट किया जिसे आप लोग देख सकते हो, वो आप लोग पढ़ रहे हैं। और इसके बाद एंकर गेमिंग जो गेम डेवलप कर रहे हैं वो भी ट्वीट किया कि ये गेम अभी नवंबर पे आने वाला है, तो एक महीना इधर उधर हो गया तो देखते हैं कैसा होता है ये गेम। तो या और अक्षय कुमार ने अपने इंस्टाग्राम पे इसका ट्रेलर भी अपडेट कर दिया, अगर देखना चाहते हो तो जरूर जाके चेक कर लेना। एनगेज में बात करना और फ्लाइंग बीस्ट को लेकर, फ्लाइंग बीस्ट अपने रिसेंटली भी एक ब्लॉग अपलोड किया, बिग अनाउंसमेंट एक अनाउंसमेंट किया था और वो अनाउंसमेंट क्या है वो आप लोग खुद देख सकते हो। 2004 में आज की डेट हो गई 2020, 16 साल फर्क हो गया, पढ़ाई कंप्लीट कर ली, शादी हो गई, बच्चे हो गए, करियर हो गया, एंड नाउ आई एम 34 एंड अ हाफ। एंड द बिग अनाउंसमेंट विच आई वांट टू डू इज कि मैंने एक कॉलेज में एडमिशन लेने का फैसला किया है, दोबारा से स्टूडेंट लाइफ जीने का फैसला किया है। और तुमको अपने भाई की हालत तो पता है, अपन अगर किसी कॉलेज में जाते हैं तो वो अच्छा कॉलेज ही होता है। जब मैंने IIT की तैयारी की थी तो मैंने AIEEE का फॉर्म नहीं भरा था क्योंकि मुझे IIT में ही पढ़ना था, एंड नाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम। मैं पढ़ रहा हूँ भाइयों और बहनों लॉ, तो भाई का बुढ़ापे में लॉयर बनने का प्लान चल रहा है अभी। देखिए अभी आप लोग क्या लगता है, मतलब बहुत अच्छा है यार ये अपना छोटा जो मतलब जो उस कॉलेज वाला लाइफ है बहुत सही है। तो ये आप लोग क्या लगता है, आप लोग यार इसके ऊपर कमेंट करके बता देना। तो ये इतने दस किस वीडियो में, तो अभी वीडियो का सलाह आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो, अगर आप लोग अच्छा लग गया तो प्लीज यार डेफिनेटली मेरी वीडियो लाइक कर दो, चैनल पर तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि यार मैं ऐसी वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, तो प्लीज कर दें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए बाबा जय हिंद, बंद मतलब बूम गज बूम।